बॉम्बांचं शहर म्हणून ओळख असलेल्या उल्हासनगर शहराची आता दुर्घटनांचं शहर अशी नवी ओळख निर्माण झाली आहे. इथे दिवसागणिक इमारतीमध्ये होणाऱ्या दुर्घटनांमध्ये अनेक निष्पापांचे जीव जातात. गुरुवारी पुन्हा एकदा इमारतीचा स्लॅब कोसळून एका निष्पापाचा जीव गेला. मुख्यमंत्र्यांनी अधिवेशनात इथल्या इमारती नियमित करण्याचा मुद्दा मांडताच राजकीय पक्षांमध्ये मात्र श्रेयासाठी चढाओढ सुरू झाली. आता या निर्णयानंतर तरी 17 वर्षांनंतर इमारती नियमित करण्याचा प्रश्न सुटेल का असा सवाल उल्हासनगरमधील स्थानिक करत आहेत. और ये हम लोग के लिए एकदम बहुत ही अच्छा फैसला है FSI 4 का. और इसमें हमारी जो डेलीपेड जो उल्हासनगर की जो भी डेलीपेड बिल्डिंग है उन सबको रहने के लिए भी मिलेगा. लेकिन यो इन्होंने जो फैसला लेके आने में 17 साल लगाए, बहुत तकलीफ वाला काम है. यही अगर सरकार जल्द से जल्द फैसला करती थी तो इतनी डेथ इंजरी हमारे उल्हासनगर में नहीं होती थी. वहाँ पे तो चलो 2-3 लोगों की डेथ हुई है या घायल हुए हैं, और अगर सब लोग वहाँ के मर जाते थे तो सरकार को क्या, हम लोग क्या अपनी सरकार से उम्मीद करते हैं कि और बिल्डिंगों को देखना है, ऐसे और मौतें देखनी है. 17 साल लगा दिए हैं GR लाने में, रेगुलाइज लाने में, अभी और कितनी मौतें उनको देखनी है उल्हासनगर में. ये देखिए, पहली बात तो अगर राष्ट्रवादी या कांग्रेस या अगली सरकार को अगर करना रहता था तो वो टाइम पे करती थी. उन्होंने आज तक उसको उल्हासनगर को कभी देखा तक नहीं. उनकी रूलिंग थी तो भी नहीं किया. ये पहली बार हमारी रूलिंग है. ये भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना एकनाथ शिंदे ग्रुप की, जिसमें हमें ये चांस मिला है फर्स्ट अधिवेशन में ये हमारा उल्हासनगर का धोखादायक बिल्डिंग का मुद्दा पास हुआ है.